आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मीडिया से रूबरू, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी भाजपा। विशेष रणनीति बनाकर प्रदेश सरकार के काम के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीतेगी आगामी नगर निकायों का चुनाव। जोन पुलिस के द्वारा अपराधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अपराधियों पर नजर रखना व अपराध पर रोकथाम लगाना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान, सभी चौराहों पर लगाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरा। जनपद में लगातार हो रही बारिश पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि जनपद में कहीं ना हो जलभराव। जलभराव वाले जगहों से पंप के माध्यम से निकलवाया जा रहा है पानी। बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट पर है सभी बाढ़ चौकियां। भारत व नेपाल बॉर्डर पर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय पुलिस एसएसबी के जवानों के साथ लगातार कर रही है पेट्रोलिंग, अराजक तत्वों पर कर रही है कार्रवाई, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। चार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट के आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 1,74,000 की लूट। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा, तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है 4 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। रोडवेज के ऊपर जान से मारने की नियत से बस चढ़ाने का प्रयास करने वाले बस चालक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सितंबर को केनरा बैंक तारामंडल से ईंट से लदा ट्रैक्टर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी किया ट्रैक्टर व ईंट किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर उत्साह से लबरेज भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर जिला, महानगर, महाराजगंज, कुशीनगर व देवरिया जनपद की संगठनात्मक बैठक। देर शाम पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला तथा राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई नेताओं से उनके आवासों पर जाकर के शिष्टाचार मुलाकात। आईजी आरएस पत्रों का निस्तारण करना पुलिस की है पहली प्राथमिकता। थाना दिवस व तहसील दिवस के माध्यम से नागरिकों के समस्याओं का किया जा रहा है समाधान, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। आगामी त्योहारों दशहरा, विजयदशमी, मूर्ति विसर्जन को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक करने का अधिकारियों को दिए निर्देश। हरपुर बुधर क्षेत्र के मारपीट, एससी एसटी एक्ट व अन्य अपराध करने वाले गैंग के 5 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का दर्ज किया गया मुकदमा, की जा रही है आगे की कार्रवाई, एसपी साउथ ने दी जानकारी। से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड, बीएलई सेंटर पर लगेगा कैंप, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आईआरसीटीसी के द्वारा स्वदेश दर्शन ट्रेन के माध्यम से 15,150 रुपए में 4 ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन। 536 रुपए ईएमआई के माध्यम से भी यात्रा का ले सकते हैं लाभ, आईआरसीटीसी लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। और जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की अपील, कहा कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान, बारिश के समय वज्रपात से बचने के लिए ना निकले घरों से बाहर।